सो सानिया, कैसे स्टार्ट किया सिंगिंग में, कैसे आई आप, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरे फैमिली में तो दूर तक कोई सिंगिंग में है नहीं, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और बल्कि जब मेरी फैमिली में पता चला लोगों को कि अच्छा मैं सिंगिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने बुरा मनाया कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं समझा था, पता नहीं क्यों। तो फिर लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं क्या हो गया, तो आजकल तो वक्त बदल रहा है, वो कुछ लोग अप्रिशिएट करने, हाँ अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं। सो बस ऐसा थोड़ा थोड़ा कहीं दोस्तों में बैठ के गा लिया, वहाँ से नहीं, इतना अच्छा तो थोड़ा थोड़ा सो नहीं आया होगा, ये तो पक्की बात है। मैंने ये जब, तो पक्का जब सीखा हुआ है। हमारे ऑफिस के कलीग थे कुछ, उनका हमारा जो एक एनुअल फंक्शन होता था, हाँ। उसमें थोड़ा सा मैंने कभी कभी लंच टाइम में थोड़ा सा ऐसे गुनगुना देते थे, तो उन्होंने कहा यार आज हमारा फंक्शन है और कोई आए हुए थे वहाँ सिंगर ना, अच्छे से पता नहीं मुझे अभी याद नहीं, तो उन्होंने कहा कि है ना यार हमारी एक दोस्त है वो भी गाई, पहले तो वो बोले कि नहीं यार अच्छा क्ली गाएगी, अच्छा चले गा ले। जब मैंने गाया तो वो जो बैठे थे उन्होंने कहा यार आप तो इतना अच्छा गाती हो, आप मेरा कार्ड ले लो। हाँ। तो उन्होंने कहा आप मेरा कार्ड ले लो, कहा ठीक है ओके। अब कार्ड लिया, उसके बाद मैं कुछ दिन बाद जा गई हूँ मिलने के लिए उनसे, तो उन्होंने कहा यार मेरा एक प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ आया, वहाँ गई, थोड़ा थोड़ा सा गाया वहाँ भी थोड़ा थोड़ा गाया बस थोड़ा थोड़ा गाया ना। अब थोड़ा थोड़ा गाने के बाद उसके बाद तो बस फिर एक के बाद एक शो, एक के बाद एक शो, एक के बाद एक शो, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ, वहाँ से स्टार्ट। अच्छा, वैसे ज़्यादातर जो मैं तो क्या कैजुअल और ये वाला ये जो हाँ। फील्ड है, तो एल्बम्स के पास आप कम जाते हैं, आपका सोलो सॉन्ग ज़्यादा बनते हैं, तो हाँ। वो वीडियोस शूट वगैरह किए आपने? हाँ, वीडियो शूट्स किए हैं। कितनी किए अभी तक आपने? मेरे 4-5 सॉन्ग्स आ चुके हैं यूट्यूब पर, हैं सानिया खान के नाम से। अच्छा, यूट्यूब भी अपना है, अपने सोशल पे रखती है, मतलब ये भी किसी को चांस नहीं देना कि कोई और कमा ले, ऐसा मतलब नहीं करना, ये भी मुझे कमा ले। अच्छा ओके, डन हो गया ये सलीम जान, ओके डन हो गया। अब तो हर एक के पास जो कुछ जो घर में बर्तन धो रहे हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है, जनाब बर्तन ऐसे धोते हैं, ऐसे साबुन लगाते हैं। एक यूट्यूब के हर किसी के पास हो गया अपना चैनल, और दूसरा टिकटॉक। टिकटॉक तो आप मेरे ख्याल से टिकटॉक, अरे पहले मैं टिकटॉक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर सारे दोस्तों ने कहा यार एक आर्टिस्ट हो तुम, अगर कोई आपको सर्च करे तो कहीं आप नजर आओ, हर जगह पे आपको नजर आना चाहिए। बस फिर अब थोड़ा सा हो गया इंटरेस्ट जब लोग कमेंट करते हैं। नहीं, वैसे मेरे ख्याल से अभी ये जो अनपलक वाला जो हाँ, सीन चल रहा है बाहर सोशल मीडिया पे, वो तो मेरे ख्याल से ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक चीज हिट है हाँ, तो वो चीज चलती वो है। बस जो चीज सोशल मीडिया पे हिट है वही चीज, और इवेंट्स भी ज्यादातर सोशल मीडिया से मिलते, पर्सनल नहीं मिलते। ऐसे ही आपके पास वैसे होगा। अच्छा, टीम आपकी सिर्फ 3 लोगों की तो नहीं होगी? हमारा ग्रुप है रेड साउंड के नाम से, रेड सॉन्ग्स, रेड साउंड साउंड, इसी नाम से हमारा स्टूडियो भी है। ओके, और ये हमारे बैंड का हिस्सा है, हमारे म्यूजिशियन है नीरज, हाँ नीरज एंड शरण, ये हमारे बैंड का हिस्सा हम लोग। अच्छा, नीरज जो है उनके साथ एन के जुड़ रहा है, तो आप क्लियर करेंगे एन के क्या है? एन के ये खुद क्लियर करेंगे, क्या पता इसलिए कोई कहानी हो ऐसे समझो, हमें भी नहीं पता, ऐसे समझो हमारे स्टूडियो में बेजुबान है ये। अब क्या कर सकते हैं, सो हम कोशिश करेंगे, इसके लिए इनका अलग से इंटरव्यू लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं, फिर आपको कहानियां सुनाएंगे। और ये बड़ी बात, अच्छा इसके अलावा एक बंदा वो होता है ना कि ढोलक पे भी गाए और इन चीजों पे भी गाए, बैंड पे वो भी परफॉर्म किया? हाँ, वो भी किया है। एक्चुअली मैंने सबसे पहले जो किया था वो हारमोनियम पे स्टार्ट किया था, और जब मैंने हारमोनियम पे स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में नहीं आती थी ना ये चीज़ें, और ये पूरा बैंड, तो मैं बोलती थी इतना शोर, क्योंकि मुझे मध्यम की एक आदत सी हो गई थी। बड़े टाइम बाद मुझे, मैं आदी हुई बैंड की, फिर अब इन लोगों के साथ हूँ, तो ये है कि म्यूज़िक की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग तबले बाजे पे गाते हैं, कुछ लोग बैंड ऑटो, फिर ये, फिर कैरोकी, ये सारे सीन है। अच्छा, सारे सीन किए हैं। कैरोकी पे वो गाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, फिर वो बाहर चले जाते। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, कैरोकी पे गाने वाले जो है ना बड़ा अच्छा गाने लगते हैं, जब अच्छा गाने लगते हैं उनको एक चीज चाहिए, वो चाहिए गाड़ी, ताकि बाहर से आवाज ना आए, हम अपनी आवाज, क्योंकि हाँ, उनकी जो वॉइस क्वालिटी हाँ, जो भी आती है तो वो क्लियर आनी चाहिए। तो हाँ, आप भी कह रहे हो कि पे आप ट्राई किया? नहीं, मैं कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं दोस्तों में बैठे होते हैं, जब जैसे हमारा बैंड नहीं है, उन्होंने कहा यार कुछ अच्छा सा सुना दो, दोस्तों की ऐसी गैदरिंग, कोई बर्थडे पार्टी चली तो एक आध सुना देते हैं। अच्छा, वो थोड़ा तो नहीं सुनाती ना? नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, ये आपका जो है ना थोड़ा थोड़ा, अंग्रेज आते हैं ना उनको अगर बोलते हैं ना कि आपको उर्दू आती है, बोले थोड़ी 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 थोड़ी, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको सिंधी आती है? पठान पे बोलते ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आपको सिंधी आती है वैसे? भाई सिंध में रह रहे हैं, क्यों नहीं आएगी? हाँ, मतलब वो इतना
अभी तो इतना मशहूर गाना जो हुआ, हम सिंध में रहने वाले, और उसके अलावा वो भी तो हिट हुआ है ना, जाना जाना जाना। तो वो वैसे अगर आप इवेंट्स में जाते हो, परफॉर्म करते हो, क्योंकि आपके आपने सही मुझे याद दिलाया। अच्छा, मेरे जहन में था शादी में, मैंने सुना, मैंने कहा यार ये गाना मजेदार है, बहुत मजेदार, लेकिन फिर निकल गया, अब दोबारा से याद दिलाया। पहले मुमताज मौलाई का हिट हुआ था, उसके बाद असगर खुश होगा, वो भी अपनी पराडो लेके आया था, रिवो के बाद वो पराडो लेके आया, उसने बोला मैं भी कुछ लेकर आऊंगा।